Hello friends, today in this video we will discuss the crystal systems in three dimensions, and this is very important topic from all the physics exams point of view. If it whether we talk about the NET exam, GATE, JEST, TIFR and all the PhD entrances. So this is very important topic and we need to remember the conditions for every crystal system. क्योंकि डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अगर हमें याद होगा देन इट विल सेव अवर टाइम एंड वी कैन गेन द मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द थिंग्स. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक. सो देयर आर मेनली सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स इन थ्री डायमेंशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोज क्रिस्टल सिस्टम देयर आर टोटल 14 ब्रेवियस लैटिसेस. ओके, and what is Bravais lattice? We have discussed already in the previous video. तो अगर आपने नहीं देखा है हमारा पहला वाला video जिसमें हमने two dimensional crystal system discuss किए थे, तो आप उसको देख सकते हैं. मैं उसका link description में share कर दूंगी. ठीक है, तो चलिए start करते हैं. and I have also has a trick जिसके through आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उन seven crystal systems के नाम. ठीक है, तो चलिए start करते हैं. तो ये जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि सिटी ओवर रियल होम मेंटेन थ्री क्लिनिक. ओके, सो दीज आर द कोड वर्ड्स और द सेंटेंस यू कैन रिमेम्बर टू रिमेम्बर ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द क्रिस्टल सिस्टम्स. नाउ व्हाट डज दीज वर्ड्स मीन, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो सिटी ओवर रियल होम मेंटेन थ्री क्लिनिक. सिटी फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट टू वर्ड्स वी आर गोइंग टू चूज C and T, okay? Over. So यहां से हम over choose करते हैं first letter real. So R, home, H, maintain, M, three, T, clinic, again, three clinic. So this is single word, okay? So हम इसका एक combined meaning form करेंगे. तो पहले हमने सिटी से दो वर्ड चूज किए सी एंड टी. व्हाट डज इट मीन, सी फॉर क्यूबिक. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट लेटर्स भी याद होंगे तो आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं कि क्या थे क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम. सो सी फॉर क्यूबिक, टी, टी फॉर टेट्रागोनल, सिटी ओवर, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, and then real R, R for rhombohedral, home, H for hexagonal, maintain, M, M for monoclinic, and triclinic is triclinic. Okay, so these are the code words. If you will remember these code words, तो आपको easy होगा सारे crystal systems के नाम याद रखने में. Because with the help of these words, अगर आप उनका पहला पहला letter choose करेंगे, then those letters will represent the crystal systems. Okay? So I hope आपको ये पसंद आया हो. City over real home maintain three clinic. City over real home maintain three clinic. Okay? तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेवियस लैटिसेस की. ओके, एंड अगर आपको ये जो हमने सेंटेंस फॉर्म किया, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा हो, आपको ये इजी नहीं हो याद करने में, तो आप अपने लिए कुछ और लाइक हिंट के फॉर्म में एक सेंटेंस बना सकते हैं जिससे कि आपको सारे क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम याद रहे एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन. सो सबसे पहले हमने कौन सा क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस किया था, सिटी, सी फॉर क्यूबिक. ठीक है, सो क्यूबिक के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं? देयर आर थ्री ब्रेवियस लैटिसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यूबिक एंड उनके नाम क्या क्या है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अभी हम कंप्लीट लिख रहे हैं बट अब आगे हम इनका शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे. एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ओके, सो आगे जब भी हमें सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूज करना होगा देन आई विल यूज दिस सिंबल्स. सिंपल क्यूबिक के लिए एस सी
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए बी एस सी एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सो बी सी सी एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एफ सी सी ओके सो दीज आर द सिंबल्स वी विल यूज इन द फर्दर डिस्कशन. अब क्यूबिक की कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है वो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ व्हाट इज ए बी एंड सी, अल्फा बीटा एंड गामा हियर. तो चलिए इसको भी एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो ये क्या है, एक हम यूनिट सेल बनाते हैं 3D में. तो यूनिट सेल जो 3D में होगा किस फॉर्म में होगा, उसको अगर आप कंस्ट्रक्ट करें तो आपको एक क्यूब मिलेगा. ठीक है, सो क्यूब्स अभी हमारा एक यूनिट सेल है 3D में. अब ए बी सी इसमें क्या होंगे, ए बी सी लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, सो लैटिस पैरामीटर्स है, अगर हम बोलें कि यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, सो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट, लैटिस पैरामीटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स इज नोन एज द लैटिस पैरामीटर. तो यहाँ तो हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो जीरो की ओरिजिन है, तो ओरिजिन जीरो टू सी कितनी हो जाएगी, सिर्फ सी. ठीक है, आप वेक्टर हटा देंगे. सो दीज आर द लैटिस पैरामीटर्स, क्या होंगे, जो कॉन्स्टेंट लेंथ होगी उनके बीच की ओरिजिन से इस पॉइंट तक की, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की. ठीक है, सो दीज लेंथ्स विल बी द लैटिस पैरामीटर्स एंड ए बी एंड सी. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा. सो गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और यू कैन से द गामा इज द एंगल ऑन द प्लेन ए बी. ओके, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंड बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड बी. ओके, सो दीज आर द अल्फा बीटा एंड गामा, ए बी एंड सी इन दिस केस. ओके, सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज कंडीशंस. एंड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेनली आपसे, आपको क्रिस्टल सिस्टम का नाम दे दिया जाएगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्या था, सी टी, टी फॉर टेट्रागोनल. तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की हम बात कर लेते हैं. टेट्रागोनल में कितने ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, देयर आर टू ब्रेवियस लैटिसेस इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम. ओके, सेकंड इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल एंड कितने ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं, टू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग. कौन कौन सी, एक होती है आपकी सिंपल टेट्रागोनल, एक होती है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल. ओके, सो सिंपल टेट्रागोनल को हम एस टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बी सी टी. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम. सो कंडीशन जो होती है उसमें सिर्फ आपका जो क्यूबिक में थी ये कंडीशन थी, इसमें सिर्फ इतना चेंज आएगा कि सी विल नॉट इक्वल टू ए एंड बी, फॉर ए और बी विल बी इक्वल टू ईच अदर, बट सी विल नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी. ओके, एंड बाकी सारी कंडीशंस जो है वो सेम रहेंगी. नाउ सिटी ओवर, हमने जो सेंटेंस फॉर्म किया था क्या था, सिटी ओवर होम, रियल होम, सिटी ओवर रियल होम. नेक्स्ट वर्ड वॉज सिटी ओवर रियल होम मेंटेन 3 क्लिनिक. ओके, सो सिटी, टी फॉर क्या था, टेट्रागोनल हमने वो डिस्कस कर लिया है. देन ओवर, ओ से क्या था, ऑर्थोरोम्बिक. तो चलिए थर्ड वाला डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्थोरोम्बिक. थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक. सो ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या है, कंडीशंस जो है आपकी, अगर कंडीशंस की पहले हम बात करें तो कंडीशंस ए विल नॉट इक्वल टू बी एंड बी विल नॉट इक्वल टू सी, बस इतना सा चेंज आएगा. ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑर्थोरोम्बिक की कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं वो 4 होती हैं. एक होती है सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट वन इज फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक एंड द नेक्स्ट वन इज द एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक. ओके, व्हाट डज एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक मीन, कि जो आपके अपर और लोअर फेस है उनके सेंटर पे भी एक एक एटम प्रेजेंट होगा अलोंग विद द एटम्स एट द कॉर्नर्स. ठीक है, सो इसे बोला जाता है एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक. और अगर लैटिस पॉइंट्स की बात करें तो लैटिस पॉइंट भी क्या होगा, इसी तरह से प्रेजेंट होगा, एक सेंटर में भी होगा. किसके सेंटर में,
दोनों अपर और लोअर फेसेस के सेंटर में एंड क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे. ओके सो देखिए यहां से आपको कितना इजीली क्लियर हो रहा होगा, सिटी क्यूबिक एंड टेट्रागोनल यहाँ हो गया, ओवल ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक हो गया, नेक्स्ट वन विल बी रोम्बोहेड्रल फॉर आई फॉर रोम्बोहेड्रल. सो नेक्स्ट हम रोम्बोहेड्रल डिस्कस कर लेते हैं. And this one is fourth. Okay. Rhombohedron. So, iske corresponding aapke kitne Bravais lattices hote hain? There is just one Bravais lattice corresponding to the rhombohedron. And the condition will be A will be equal to B in this case. And A will be equal to B. Will be equal to C. And alpha equal to beta equal to gamma will not be equal to 90 degree. Okay, so condition ये है इसके लिए rhombohedral case में a, b and c will be equal, but alpha, beta and gamma will not be equal to 90 degree. They will be equal to each other, but will not be equal to 90 degree. Now what is the Bravais lattice corresponding to is that is simple rhombohedral, and only one Bravais lattice present with the rhombohedral crystal system. And the next one is hexagonal. Hexagonal, fifth one. Hexagonal की corresponding क्या होगा? एक ही Bravais lattice present होती है, simple hexagonal. Okay? And what is the condition for the hexagonal case? A will be equal to B, will not be equal to C. And the conditions on the angles is alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma equal to 120 degree. Okay, so this is the condition for the hexagonal case. And how many Bravais lattices are present in this case? Only one, that is simple hexagonal. So I hope aapko ye clear hoga. And the next one is, dekhiye, home. H for hexagonal we have already discussed. M for monoclinic. ओके सो नेक्स्ट हम कौन से डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करेंगे. सिक्स वन इज मोनोक्लिनिक. सो मोनोक्लिनिक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो Bravais lattices होती हैं दो होते हैं, ठीक है, एक होता है सिंपल मोनोक्लिनिक और एक होता है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक. Bravais lattices हैं ये एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक. ओके हाउ मेनी Bravais lattices आर देयर? टू. एंड व्हाट इज द कंडीशन इन दिस केस? The condition is that A will not be equal to B, will not be equal to C, and alpha and gamma will be equal to 90 degree, but beta will not be equal to 90 degree. Okay? Beta will not be equal to 90 degree. So this is the condition for the monoclinic crystal system. Okay guys? So next one is the last one. थ्री क्लिनिक, दैट मीन्स ट्राई क्लिनिक. ओके तो सेवेंथ हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट है ये. सेवेंथ इज ट्राई क्लिनिक. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी Bravais lattices होती है? जस्ट वन, दैट इज सिंपल ट्राई क्लिनिक. एंड जो कंडीशन है वो ये है कि अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू बीटा, विल नॉट बी इक्वल टू गामा. ओके ये तो एंगल्स की कंडीशन हो गई. एंड एंड विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल. तीनों आपस में भी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे. और उसी के साथ जो आपके लैटिस पैरामीटर्स हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं, लाइक ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. ओके सो दिस इज द कंडीशन फॉर ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम. आई होप आपको ये क्लियर होगा. एंड रिमेंबर दिस लाइन टू रिमेंबर ऑल द क्रिस्टल सिस्टम्स. ओके So guys, in this video only this much. I hope आपको ये video पसंद आई हो. And if you like the video, please tell us by commenting on the below the video. Okay? And अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए, because there will be more videos on this channel regarding the physics entrance exams. So thank you very much for watching this video guys, and keep on watching. Thank you.